क्या हुआ जब केदारनाथ जा रही बस सड़क से नीचे पलटने ही वाली थी, लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देख पुलिस वाले भी हैरान हो गए। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहाड़ों का सफर कभी भी आसान नहीं रहता। वहां के लोगों से पूछिएगा, वो आपको अपना असली दर्द बयां करेंगे। एक्सीडेंट की खबर तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं जो चमत्कार को नमस्कार करने की जैसी होती है। ऐसी ही घटना साबित करती है कि कहीं ना कहीं कोई सर्वोच्च सत्ता जरूर है, कोई शक्ति जरूर है जो हमें नियंत्रित करती है। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ उत्तरकाशी के मानपुर गांव में, जहां गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस का अगला हिस्सा सड़क के बाहर निकल गया। बस सड़क किनारे बने खेत की तरफ झुक गई। बस उधर से झूल रही थी और श्रद्धालुओं की जान भी। बस में चीख पुकार मची हुई थी। वो तो शुक्र है कि ड्राइवर ने समय रहते बस पर ब्रेक लगा दिया और बस रुक गई। अगर बस रुकने में एक सेकंड की भी देरी होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यात्रियों के साथ साथ गांव वालों की भी जान बच गई, क्योंकि सड़क के पास बहुत सारे ग्रामीण घर भी थे। सूचना मिलने पर आपदा विभाग की बचाव टीम मौके पर पहुंची और श्रद्धालुओं को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। ये मंजर कितना भयानक था आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बस में सवार यात्री गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कर केदारनाथ धाम जा रहे थे, तभी बस का स्टीयरिंग फ्री हो गया और बस का अगला हिस्सा सड़क के बाहर खेत की तरफ लटक गया। पर ड्राइवर ने किसी तरह बस को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस में 30 यात्री सवार थे, जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर से चार धाम यात्रा पर आए थे। बाद में उन्हें दूसरी बस से केदारनाथ भेजा गया। जान बच जाने पर सभी यात्री भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। चश्मदीदो गवाह ने बताया है कि अगर बस की स्पीड ज्यादा होती तो बस ग्रामीणों के घर से जा टकराती, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। श्रद्धालुओं के साथ साथ ग्रामीणों की भी जान जा सकती थी। जिस तरह बस गिरते गिरते बची, उसे श्रद्धालु और ग्रामीण ईश्वर का ही चमत्कार मानते हैं। आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।